नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। आज इवनिंग एजेंडा में आपको बताएंगे उज्जैन में कहां मिला नोटों का पहाड़, सट्टेबाजों की कमाई देख पुलिस भी रह गई दंग। बताएंगे एमपी के किन शहरों में अब दिन हो या रात बाजार रहेंगे गुलजार। उज्जैन के महाकाल मंदिर पर क्यों बकाया है 1 करोड़ से ज्यादा का टैक्स, ये भी जानेंगे। भोपाल में कश्मीर की सैर भी आपको कराएंगे। बताएंगे इंदौर में किसने मॉडल्स को लगाया चूना और कहां चल रही है पार्टी ऑनलाइन, ये भी जानेंगे। तो बड़े बड़े शहरों में दिन रात मार्केट खुले रहते हैं, जब जी किया बाजार निकल गए। अब एमपी के कई शहरों में भी बाजार दिन रात खुले रहेंगे। क्या है ये योजना और किन शहरों में मिलेगी ये सुविधा, आइए जानते हैं। आधी रात को शॉपिंग का हुआ मन, अब नहीं होगी कोई टेंशन। जब जी चाहे मार्केट जाइए, जो मन करे वो खरीदिए। आमतौर पर बड़े शहरों में मिलती है ये सुविधा, बाजार दिन रात रहते हैं गुलजार। लेकिन एमपी के लोगों के लिए भी खुशखबरी है, प्रदेश के कई शहरों में अब बाजार हमेशा खुले रहेंगे। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, अधिसूचना जारी होते ही ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के साथ ही 16 नगर निगम और औद्योगिक इलाके पीथमपुर, मालनपुर, पीलूखेड़ी, मंडीदीप में भी अब मार्केट खुले रहेंगे। इन शहरों में मिलेगी सुविधा, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, सतना, सिंगरौली, कटनी, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, मुरैना, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, मालनपुर। इन शहरों में मॉल, रेस्तरां, होटल और रिसोर्ट के साथ ही ऑफिस, आईटी सेक्टर, बिजनेस सेंटर भी खुले रहेंगे। हालांकि बार, शराब दुकानें, अहाते, पब, डिस्को क्लब में ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। सरकार ने मंजूरी देते समय ये ध्यान रखा है कि कर्मचारियों के अधिकार भी सुरक्षित रहें, यानी कोई फैक्ट्री उनसे सप्ताह में 48 घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं करा सकेगी। यदि कराती है तो उसे ओवरटाइम मिलेगा। प्रस्ताव के तहत कारोबार करने वालों को श्रम कानूनों का पालन करना होगा। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होंगी। 8 घंटे के हिसाब से कर्मियों को वेतन और सुविधाएं देनी होंगी। हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम की अनुमति नहीं। बार, शराब दुकान, अहाते, पब, क्लब पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। इस व्यवस्था से लोगों को तो फायदा होगा ही, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। प्रदेश के कई राज्यों में ये व्यवस्था पहले से लागू है और अब एमपी के कई शहरों में ये सुविधा मिलेगी। आम लोगों के लिए होटल, रेस्तरां से लेकर औद्योगिक इकाइयां और ऑफिस तक दिन रात लोगों को सेवाएं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उज्जैन में पुलिस ने सट्टेबाजी के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। इस दौरान सटोरियों के घर से इतने रुपए मिले कि नोटों का पहाड़ लग गया। इतने रुपए मिले कि गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। कैसे चल रहा था सट्टेबाजी का ये खेल, आइए जानते हैं। नोटों का ये पहाड़ जिसने भी देखा दंग रह गया। सट्टेबाजी की काली कमाई है ये। नोटों की इतनी गड्डियां कि पुलिस को गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। 15 करोड़ रुपए है ये। उज्जैन पुलिस ने सट्टेबाजी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नोट जब्त किए हैं। पुलिस ने कृष्णा विहार के पास 19 ड्रीम कॉलोनी और मुसद्दीपुरा इलाके में बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर छापे की कार्रवाई कर करोड़ों कैश के साथ ही चांदी की सिल्लियां, यूरो, पाउंड, यूएस डॉलर, हंगरी यूरो, पोलिश मुद्रा, नेपाली रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। करेंसी का भी असेसमेंट कराया जा रहा है, इसमें यूरो भी है, डॉलर्स भी है, पाउंड भी है, हंगरी की करेंसी भी है, अलग अलग 7 देशों की करेंसी है जिसका भी असेसमेंट जो वैल्यूएर है उससे कराया गया। अभी जो 9 लोग हमने पकड़े हैं ये पिछले 6-7 महीने से यहाँ पर अभी आए थे और इसके संपर्क में अलग अलग जगह पे आए थे। इसने यूके में जाके ये इस तरह से बेटिंग करना लंदन एक्सचेंज पे सीखा था और ये लोग पंजाब और निबाहेड़ा नीमच के रहने वाले हैं। ये इसके संपर्क में आए थे और यहाँ पर इसके घर में आके निवास करते हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि ड्रीम्स कॉलोनी के एक मकान में बिल्डर पीयूष चोपड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सट्टा खिला रहा है। उसके साथ पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग भी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घर पर दबिश दी। यहां T20 वर्ल्ड कप में खेले जा रहे बांग्लादेश नीदरलैंड मैच पर सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 41 मोबाइल फोन, 11 लैपटॉप, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सिम समेत कई उपकरण जब्त किए। गिरफ्तार आरोपियों में से 1 राजस्थान, 4 पंजाब और 4 नीमच के रहने वाले हैं। हालांकि मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड ली जाएगी।
आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीयूष चोपड़ा घर से ही सट्टा संचालित करता था, इसमें मुनाफा होने पर उसने अपनी टीम भी बना ली थी। बड़ी मात्रा में कैश और कुछ मेटल भी, प्रेशियस मेटल भी रिकवर किए गए हैं जो अनअकाउंटेड फॉर है। उसके लिए जो है आईटी और एजेंसीज को भी सूचना दी जा रही है ताकि वो भी अपने स्तर पर वेरीफाई करके इसमें कार्रवाई कर सके। साथ ही साथ इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसका फॉरेन ट्रेवल बहुत रहा है, इसके लिए हम जो है बहुत जल्दी लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर एक NOC भी हम जारी कर रहे हैं ताकि ये देश से कहीं बाहर ना जाए। बताया जा रहा है कि एक बार में 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक का धंधा होता था। धंधा कितना करना है ये सब पीयूष ही बताता था। एक मैच में करोड़ों रुपए की हार जीत की बाजी लगाई जाती थी। पुलिस ने पीयूष के घर से पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सट्टे का हिसाब किताब जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि पीयूष परिवार के साथ लातविया देश भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। अजय पटवा, न्यूज 18, उज्जैन। उधर इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता ने सटोरी का संबंध बीजेपी के कई नेताओं से होने की बात कही, साथ ही नाम सामने लाने की मांग की, तो वहीं बीजेपी ने किया है पलटवार। पीयूष चोपड़ा है, ये बिल्डर भी है, पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है और ये भी जानकारी मिली है कि इसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संबंध है। वो जानकारी पब्लिक को जानना पब्लिक का राइट है, ये भी जानकारी दी जाए कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस बिल्डर्स के पार्टनर हैं और जिनके गहरे संबंध इस सटोरिये से हैं, जिसके कारण इतने वर्षों तक खुलेआम ये सट्टा खिलाया जाता रहा। कांग्रेस के ये आरोप प्रत्यारोप उतने ही निराधार और झूठे हैं जितने की कांग्रेस पार्टी निराधार और झूठी है। पहले तो मुझे कांग्रेस के नेता जवाब दें कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, मात्र 15 महीने की सरकार 2018 में, तो किन किन के घर उनके OSD के घर छापे पड़े थे, कितने करोड़ों का कैश उन OSD के घर मिला था, पहले ये उस पे जवाब दें। विधानसभा को लूट का अड्डा बना के छोड़ा था कांग्रेस ने मात्र 15 महीने में, पहले ये उस पे जवाब दें। ये जिस राहुल गांधी यात्रा जिन जिन क्षेत्रों से निकली है, वहां पे किन किन के घर छापे पड़े हैं, कितने करोड़ों रुपए की बरामदी हुई है, उस पे जवाब दें। रही बात आज भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। शिकारे की सैर करनी हो तो आप कहां जाएंगे, ये सवाल पहले पूछते तो जवाब होता कश्मीर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कश्मीर की डल झील वाला मजा अब भोपाल के बड़ा तालाब में भी मिलेगा। बड़ा तालाब में शुरू की गई है शिकारे की सेवा, देखिए। तालाब में तैरते ये शिकारे, गर्मी के मौसम में शिकारे की सैर का अनुभव अद्भुत है। बात शिकारे की आती है तो कश्मीर की डल झील याद आ जाती है, लेकिन ये तस्वीरें कश्मीर की नहीं भोपाल की हैं। जी हाँ, डल झील का मजा अब भोपाल के बड़ा तालाब में मिलेगा। बड़ा तालाब में शुरू की गई है शिकारे की सेवा। महापौर मालती राय और विधायक भगवान दास सपनानी ने शिकारे का शुभारंभ किया। मालती राय ने बताया कि पर्यटक जब बड़ा तालाब आएंगे तो उन्हें लगेगा कि वो डल झील आ गए हैं, इसी मकसद से ये शिकारे शुरू किए गए हैं। और हमने नाव को शिकारे के रूप में परिवर्तित करके, ब्यूटीफाई करके और भोपाल की जनता को नई सौगात देने का प्रयास किया है कि कम से कम जब यहाँ पर लोग बड़े तालाब के किनारे बोट क्लब पर आएंगे तो उनको यह महसूस होगा कि हम कश्मीर के शिकारे में बैठने के लिए आए हैं, इस तरह का नगर निगम का प्रयास है। भोपाल की खूबसूरती यूँ तो पूरी दुनिया में मशहूर है, देश विदेश से यहाँ टूरिस्ट आते हैं। अब पर्यटकों को यहाँ शिकारे की सैर का लुत्फ उठाने का मौका भी मिलेगा। विधायक सबनानी ने इस पहल की तारीफ की और बधाई भी दी है। सैलानी और पर्यटक जो आते हैं उनको भी आनंद की अनुभूति होगी, भोपाल जैसा है उसमें और बेहतर हुआ है। इसके लिए भोपाल की महापौर और नगर निगम के हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया है शिकारे के रूप में कि अब कश्मीर में हमको जाने की जरूरत नहीं है, डल झील जाने की जरूरत नहीं है। NGT के आदेश पर बड़ा तालाब में क्रूज चलाना बंद कर दिया गया, लेकिन अब क्रूज की कमी ये शिकारे पूरी कर रहे हैं। भोपाल को ये बड़ी सौगात है, जब बड़ा तालाब में चल रहे हो इतने शानदार शिकारे तो डल झील क्यों जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
महाकाल मंदिर की आय हर साल करोड़ों की होती है, लेकिन इसके बाद भी मंदिर पर 1 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बकाया है। 27 सालों से मंदिर प्रबंध समिति ने टैक्स जमा नहीं किया, आखिर क्यों, जानते हैं। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में करोड़ों का दान भी आता है, लेकिन इसके बाद भी महाकाल मंदिर पर फिलहाल 1 करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स बकाया है। ये देनदारी उज्जैन नगर निगम की है। मंदिर पर 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा की देनदारी है। बताया जा रहा है कि 27 सालों से मंदिर समिति ने टैक्स नहीं भरा है। करोड़ों की आमदनी, लाखों बकाया, महाकाल मंदिर पर 1 करोड़ की देनदारी, मंदिर पर नगर निगम का टैक्स है बकाया, 32,43,000 का वाटर टैक्स है बाकी, 80 लाख से ज्यादा अन्य टैक्स भी बकाया। 27 सालों से समिति ने नहीं भरा है टैक्स। करीब 100 करोड़ है मंदिर की सालाना आय। धार्मिक स्थलों को संपत्ति कर से है छूट, धार्मिक स्थलों को देने होते हैं अन्य टैक्स। उज्जैन के महापौर मुकेश टाटवाल ने बताया कि मंदिर प्रबंधन समिति को सूचना देने के बाद भी जलकर नहीं चुकाया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के खर्चे बढ़ गए हैं, संसाधनों को बढ़ाने के लिए शहर के लोगों के साथ ही मंदिर प्रबंध समिति को भी टैक्स का भुगतान करना चाहिए। उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था करना, स्वच्छता का ध्यान रखना, पानी की व्यवस्था करना, तो नगर निगम का कोई आय का साधन नहीं बढ़ा है। जो हमारे संसाधन है उन्हीं को हम लोग कर रहे हैं, तो सभी लोगों को, चाहे महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति हो या आम नागरिक हो जो नगर निगम की सेवाओं का उपयोग करते हैं या जल का उपयोग करते हैं नल कनेक्शन के माध्यम से, तो मेरा उन सबसे भी अनुरोध है कि उनको अपना अपना कर समय पर जमा करें ताकि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। महाकाल मंदिर सहित शहर के सभी धार्मिक स्थलों को संपत्ति कर में छूट मिली है, लेकिन अन्य टैक्स देने होते हैं। कलेक्टर नीरज सिंह ने कहा कि नगर निगम के टैक्स के मामले में छूट मिल जाए, इसके लिए प्रशासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। मंदिर समिति ने इसमें ये निर्णय लिया है कि शासन को प्रस्ताव भेजा जाए कि संपत्ति कर की श्रेणी में मंदिरों को न रखा जाए। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को श्रद्धालुओं के दान से करोड़ों की आमदनी होती है। मंदिर समिति को अप्रैल 2023 में जनवरी 2024 तक 144,67,00,000 से ज्यादा की आय हुई थी, लेकिन इसके बाद भी मंदिर प्रबंध समिति टैक्स जमा नहीं कर रहा। नगर निगम टैक्स की मांग कर रहा है, तो कलेक्टर टैक्स में छूट के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कर रहे हैं। अजय पटवा, न्यूज 18, उज्जैन। इंदौर के जेल रोड स्थित जगन्नाथ नारायण द प्राइड होटल में कुछ लड़के और लड़कियों ने हंगामा कर दिया। इनका आरोप है कि ब्यूटी पेजेंट इवेंट के नाम पर उनसे 5,000-5,000 रुपए ले लिए गए और फिर इवेंट को कैंसिल कर दिया गया। हंगामा कर रहे मॉडल्स का आरोप है कि शुभम पटेल नाम के शख्स ने खुद को एक मॉडल बताते हुए ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज करने का दावा किया था। उसने कई महीने से सोशल मीडिया के माध्यम से इवेंट को प्रमोट किया और कई लोगों से पेजेंट में शामिल होने के लिए 5,000-5,000 रुपए की फीस भी ली, जिसमें मेकअप, ड्रेस, स्टे और फूड देने की बात कही गई थी। लेकिन मॉडल जब इस इवेंट में शामिल होने के लिए पहुंचे तो वहां किसी भी तरह का अरेंजमेंट नहीं था। आयोजक इवेंट कैंसिल होने का कहकर मौके से भाग गए, जिसके बाद सभी पार्टिसिपेंट देर रात तक परेशान होते रहे और होटल में हंगामा कर दिया। राजस्थान
कि आप चले जाओ सुबह से भूखे प्यासे, हम यहाँ पर धक्के खा रहे हैं। इंदौर में पार्टी ऑनलाइन हो रही है। हाल ही में पुलिस ने यहां रेव पार्टी पर छापेमारी की थी। इस मामले में गिरफ्तार रेव पार्टी की मैनेजर ने कई खुलासे किए हैं, जिसके मुताबिक दो दर्जन फार्म हाउस में रात रात भर पार्टियां चलती हैं। पुलिस को रेव पार्टी में नशा करते 100 से ज्यादा लड़के लड़कियों को पुलिस की टीम ने पकड़ा था। पार्टी में गांजा, स्मैक, MD ड्रग जैसा नशा खुलेआम किया जा रहा था। पुलिस ने कार से कई किलो गांजा भी बरामद किया था। इस रेप पार्टी में हर तरह के नशे का इंतजाम तो था ही, जयपुर से पोल डांसर भी बुलाई गई थी। तेजाजी नगर के राला मंडल के एक फार्म हाउस में ये पार्टी चल रही थी। इसकी सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दंग रह गई। लड़के लड़कियां यहां पर बेखौफ होकर पार्टी के अंदर नशे कर रहे थे। और अब बात करते हैं केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की, जिन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान नीट परीक्षा को लेकर कहा कि DMK हमेशा से इसके विरोध में रहा है और इनके विरोध की वजह से NT जैसी व्यवस्था की गई है। कोचिंग संस्थानों के कोर्ट जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए। हमारे साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से नीट को लेकर के सर जिस तरह से कांग्रेस हो DMK हो लगातार आरोप लगा रहे हैं, सर कैसे देखते हैं? देखिए, उनकी पुरानी आरोप है। DMK वाले तो नीट को Day 1 से विरोध करते थे क्योंकि उनकी राज्य की एंट्रेंस एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बंद हुई थी। NTA की जन्म हुई थी और NTA पिछले कुछ सालों से इस परीक्षा को कंडक्ट कर रही है। आज देश में 4,750 सेंटर में 23,33,000 स्टूडेंट्स ने इस बार परीक्षा दिया है। परीक्षा अच्छी हुई है। कुछ सेंटर्स में कुछ स्मॉल माइनर एनोमलीज की ध्यान आई है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप में कल समाधान कर दिया गया है। एक दो और जगह की कुछ घटनाएं खबर आई है, उसको वहां की स्थानीय एजेंसी उसकी निगरानी कर रही है, कुछ प्रिवेंटिव काम भी किया है। इस सारा विषय आज सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया है, छात्र जो है वो भी धरने पर बैठे हैं, किस तरह का आश्वासन जो है वो छात्रों को देते हैं? सर, देखिए, मैं आज भी कुछ विद्यार्थियों को मिला, कुछ विद्यार्थियों के अभिभावकों भी मिला। मैं सभी को आश्वस्त किया, सरकार पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है, आप आश्वस्त रहें, कोई घबराने के कारण नहीं है। जो न्याय संगत पारदर्शी होगा, बिना लुका छुपी बिना लिपापोती सब किया जाएगा और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की नजर है, इसलिए कोई कुछ घबराने के कारण नहीं, विद्यार्थी अपने पढ़ाई में रहे। लेकिन अगर सर हम बात करें, सर में कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कोर्ट में गए हुए हैं, कुछ कोचिंग सेंटर हैं वो कोर्ट में गए हैं, सर कैसे देखते हैं इसे? ये थोड़ा हमें निश्चित रूप में चिंतित हम हो जाते हैं कि विद्यार्थी या अभिभावक चिंता प्रकट करे तो वाजिब है, उनका ये अधिकार है, पक्ष के सामने सरकार के सामने बात रखना एक प्रजातंत्र में उनके अधिकार है। इसलिए मैंने तो उनको आज बुला के मिला, मेरे चैम्बर पे मिला, लेकिन उसमें से जो कुछ आउटसाइडर्स उसमें से लगे हैं, शायद कुछ उनकी हानि हो रहा है। जब परीक्षा व्यापक हो जाएगी, परीक्षा में नॉन कोचिंग वाले ज्यादा आएंगे, तब तो किसी के मन में स्वाभाविक चिंता होना एक प्रश्न होती है ना। भोले की नगरी काशी का स्वरूप बदलने से यहां श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। जिस तरह से सुविधाएं बढ़ रही हैं, अब काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को 3D दर्शन मिलेगा। शिव की नगरी काशी में उमंग है, श्रद्धालुओं में जोश है। जब से काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हुआ है, तभी से यहाँ की फिजा में अलग ही रंगत है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं के लिए जहाँ मंदिर पहुँचना आसान हुआ है, तो वहीं पर मंदिर प्रशासन हाईटेक तरीके अपना रही है, जिससे भोलेनाथ के दरबार में आने वाले भक्तगणों को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। पहली बार मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल दर्शन की व्यवस्था भी कर दी है। मंदिर प्रशासन की तरफ से 3D टेक्नोलॉजी के जरिए दुर्लभ दर्शन केंद्र का सफल ट्रायल किया गया, जिसके जरिए कुछ ही मिनट में श्रद्धालुओं को बाबा काशी विश्वनाथ के पांचों प्रहर की विशेष आरती और गर्भगृह के दर्शन की सुविधा एक जगह बैठकर ही मिलेगी। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने एक संस्था को नियुक्त किया है, जो हेडसेट डिवाइस के जरिए पूरे प्रशासन का 3D मैप और स्टोरी तैयार करता है, जिसे आंखों पर लगाते ही पूरे मंदिर की झांकी दिखाई देगी।
और इसके साथ ही गर्भगृह में पूजा पाठ के साथ साथ सभी आरती के दर्शन होंगे। मंदिर परिसर में ही श्रद्धालुओं के लिए यह सुविधा रखी गई है। यहाँ पर आया था काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने, तो दर्शन करके निकलते वक्त हमको यहाँ पे दिखा ये दुर्लभ दर्शन केंद्र। हमने यहाँ पे आया और पता किया कि ये क्या चीज है। यहाँ के स्टाफ लोगों ने बताया कि भाई 3D डिवाइस VR के माध्यम से हम सब बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करवाते हैं, तो वो हम आए यहाँ पे देखे, फिर हमने भी दर्शन किए। श्रद्धालु भी इस नई तकनीक के इस्तेमाल से खुश दिखाई दे रहे हैं। खास बात ये है कि श्रद्धालुओं को ये सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। ऐसा हमको अनुभव हुआ कि वो चीज हम आपको अपने वर्णन मतलब शब्दों के माध्यम से नहीं बता सकते। हमको ऐसा फील हुआ कि समझिए हम बार बार आते हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने, लेकिन ऐसा अनुभव एक बार भी नहीं हुआ। हम पांचों आरतियां देख लिए हैं, उसमें की सुबह की आप मंगला आरती, फिर भोग आरती, फिर सप्तर्षी आरती, फिर श्रृंगार भोग आरती और रात्रि की शयन आरती आपको दिखाई जाती है, और आपको ऐसा अनुभव प्राप्त होता है कि हमको मतलब वो चीज हमको मिली है ना कि हम स्वयं उस गर्भगृह में बाबा के पास उपस्थित थे। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को एक भक्तिमय माहौल देने के लिए मंदिर परिसर की सुविधाओं को हाईटेक और आकर्षक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिससे मंदिर प्रशासन नई नई सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यह 3D टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल आध्यात्म का दर्शन श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष अनुभव होने वाला है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए नया प्रयोग भी है। दुर्लभ दर्शन केंद्र की सुविधा पहले से ही माँ वैष्णो धाम और महाकालेश्वर धाम में उपलब्ध है। वाराणसी से न्यूज 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, जुड़े रहिए है।